का स्वागत है के एम न्यूज पर। मैं हूँ आपके साथ वर्षा कोहली। आइए नजर डालते हैं सियासत की खबरों पर। बंगाल में ममता का कमाल। पश्चिम बंगाल के 3 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव का परिणाम आ गया है। सभी 3 सीटों पर टीएमसी के उम्मीदवार विजयी घोषित हुए हैं। कालियागंज से टीएमसी उम्मीदवार 2304 मतों से विजयी हुए हैं। वहीं तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार प्रदीप सरकार ने खड़गपुर सदन विधानसभा उपचुनाव में 20,811 मतों से जीत दर्ज की है। जीत के बाद ममता का बयान। पश्चिम बंगाल विधानसभा उपचुनाव में जीत पर ममता बनर्जी ने कहा, ये लोगों की जीत है, ये विकास की जीत है, अहंकार की राजनीति नहीं चलेगी, लोगों ने भाजपा को नकार दिया है। उद्धव की ताजपोशी आज। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे की महाराष्ट्र के 18वें मुख्यमंत्री पद पर ताजपोशी होगी। ठाकरे के शपथ समारोह के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा अध्यक्ष अमित शाह से लेकर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी के अलावा खेल, फिल्मी दुनिया और व्यापार जगत के दिग्गजों को न्योता भेजा गया है। प्रज्ञा ठाकुर फिर फंसी। भाजपा सांसद प्रज्ञा ठाकुर अपने बयान को लेकर एक बार फिर मुश्किलों में फंस गई हैं। नाथूराम गोडसे को लेकर प्रज्ञा ने एक टिप्पणी की थी, जिसे लेकर कांग्रेस और यूपी के अन्य दल लोकसभा में निंदा प्रस्ताव ला सकते हैं। वहीं कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने प्रज्ञा ठाकुर के उस टिप्पणी पर दुख व्यक्त किया है। प्रज्ञा ठाकुर पर राहुल गांधी का प्रहार। भोपाल से लोकसभा सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर के नाथूराम गोडसे वाले बयान पर अब कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए उन पर हमला बोला है। राहुल गांधी ने लिखा, आतंकी प्रज्ञा ने आतंकी गोडसे को देशभक्त बताया। भारत की संसद के इतिहास में ये एक दुखद दिन है। हुड्डा का मनोहर और दुष्यंत पर हमला। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और डेप्यूटी सीएम दुष्यंत चौटाला पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि दोनों बताए कि राज्य में काम कब शुरू होगा। साथ ही उन्होंने दोनों नेताओं से पूछा कि वे अगले चुनाव मिलकर लड़ेंगे या अलग अलग मैदान में उतरेंगे। बाकी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल के न्यूज को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।